नेशनल हाईवे 7 पर एक बैल है, गाड़ी के साथ ही दौड़ा चला जा रहा है। वहां पर हजारों गाड़ियां आ रही हैं, हजारों गाड़ी जा रही हैं, लेकिन उन्होंने कहीं किसी ने भी मदद नहीं की। उस समय हमने फिर बैल को अलग किया, गाड़ी को थोड़ा साइड में लगाया। बुरा उस समय ये लगा कि लोगों ने अभी ये समझ लिया कि ये सिर्फ एनजीओ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कहना है 19 साल के अर्पण जी का, जो क्लास 6 से अपने भाई और कुछ साथियों के साथ मिलकर पंजाब के एक छोटे से शहर रामपुरा में गौ सेवा परिवार चलाते हैं, जहां वो जानवरों का रेस्क्यू, उनकी ट्रीटमेंट और उनकी अडॉप्शन करवाते हैं। आज उनके पास 200 से भी ज्यादा मेंबर्स की टीम है और एक हॉस्पिटल भी है, और वो साल में करीबन 500 से भी ज्यादा एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं। लेकिन इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हर रेस्क्यूअर को फेस करनी पड़ती है। रेस्क्यू के लिए तो कॉल आ जाती है, जिस बंदे की कॉल आई होती है वो बंदे ही नहीं आता है। अगर सोसाइटी मदद नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं अपना कदम पीछे हटा लो। किसी गाय का किसी ने कुहाड़ी लगा दी या किसी ने अटैक कर दिया तो वो क्रुएल्टी में हम काउंट करते हैं। लेकिन जो लोग गाय को दूध के लिए रखते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, वो भी एक तरह की उस पर क्रुएल्टी ही है। चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हर किस्म के इंसान के लिए तो एक ही बात है कि जो ये क्रुएल्टी हो रही है हमसे ही हो रही है। इतनी दिक्कतों के बाद भी गौ सेवा परिवार बेजुबानों की मदद करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, और वो एक एम्बुलेंस भी लेना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जानवरों की मदद कर सके। और इस प्रयास में आप उनकी मदद कर सकते हैं, उन्हें डोनेशंस देके या फिर इस वीडियो को शेयर करके।